बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ राइज एंड शाइन स्कूल। स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन 6, डे 2 ऑफ वीक 3। वीक 3 के जो डे 1 में हमने लेसन नर्सिंग का फर्स्ट पेज रीड किया था, आज इंशाल्लाह हम उसको कंटिन्यू करेंगे। जो फर्स्ट पेज हमने रीड किया था उसमें आपने पढ़ा कि नर्सिंग हम कहते किसे हैं, प्यार से और हमदर्दी के साथ किसी का ख्याल रख, किसी जख्मी, बूढ़े, जवान, बीमार का ख्याल रखना या उसकी देखभाल करना जो है वो नर्सिंग कहलाता है। और फिर हमने पढ़ा कि नर्सिंग जो है हम ये नहीं बता सकते कि नर्सिंग जो है वो हिस्ट्री में किस पॉइंट पर जो है वो साइंटिफिक वे में ऑर्गेनाइज हुई थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नर्सिंग जो है इटसेल्फ वो खुद इतनी ही पुरानी हो सकती है जितने के एक इंसान के जज्बात या एहसास अपने किसी साथी बीमार इंसान के लिए। फिर हमने पढ़ा कि इस्लाम जो है वो नर्सिंग पे बहुत जोर देता है या उसको उसको बहुत अहमियत देता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई बीमार होता था तो उसकी इयादत को जाते थे और दूसरों को भी तलकीन करते थे कि वो उनकी इयादत करें और उनके साथ नरमी से पेश आते थे, उनके साथ मेहरबानी वाले अल्फाज बोला करते ताकि उन्हें तसल्ली हो। इसके अलावा जो मुस्लिम खवातीन थी जंग के दौरान, वो शाना बशाना अपने भाइयों के, मुस्लिम भाइयों के, वो जख्मियों को पानी पिलाती हैं, उनकी मरहम पट्टी करती हैं। और जंग खैबर के बाद हजरत सल्लम ने मदीना में एक हॉस्पिटल कायम किया था जिसकी इंचार्जशिप उन्होंने एक बहुत मशहूर नर्स जो थी उनका नाम हज़रत रुफैदा था उनके हवाले किया था। हज़रत फातिमा और हज़रत आसमा रज़ी अल्लाह था जो कि हज़रत अबू बकर की साहबजादी थी, वो इस अस्पताल में हज़रत रुफैदा के साथ मरीजों की देखभाल करती थी और उनकी नर्सिंग करती थी। और आज हम आगे से इसको रीड करेंगे। ये फर्स्ट पेज को मैंने आपके लिए समराइज किया था। Okay, let's start reading. लिखा हुआ है, नर्सिंग वॉज नॉट एट ऑल पॉपुलर इन द बिगिनिंग। बिगेन वर्ड हम कहते हैं शुरू को, आगाज को, और पॉपुलर हम कहते हैं मकबूल को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि या हर दिल अजीज को भी कह सकते हैं। वो कह रहे हैं कि नर्सिंग जो थी वो बिल्कुल भी शुरू में जो थी वो मकबूल नहीं थी या हर दिल अजीज नहीं थी। यानी कि एक्चुअली इसका कहने का मकसद ये है कि लोग जो है वो पसंद नहीं करते थे नर्सिंग को। पेरेंट्स डिड नॉट अलाउ देयर डॉटर्स, वालदैन जो थे वो अलाउ नहीं करते थे, इजाज़त नहीं देते थे अपनी बेटियों को टू बिकम नर्सेस, कि वो नर्सेस बने। दिस कैन परहैप्स बी बेस्ट शोन इन द स्टोरी ऑफ द गर्ल। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो है वो एक शायद एक लड़की की कहानी से साबित किया जा सके, हु इन 1851 जो कि 1851 में बिकेम द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, वो जदीद नर्सिंग की बानी हुई। एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेमेन इन द हिस्ट्री, और तारीख में दुनिया की अजीम तरीन औरतों में से एक। हर नेम वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ फ्लोरेंस इन इटली इन 1820। 1820 में इटली के कस्बे फ्लोरेंस में पैदा हुई। हर पेरेंट्स वर वेल्दी एंड कल्चर्ड इंग्लिश पीपल। वेल्दी का मतलब मालदार, अमीर। कल्चर्ड हम कहते हैं महजब को, ठीक है। वो कह रहे हैं और इंग्लिश पीपल, यहाँ पे इंग्लिश पीपल से मुराद क्या है कि वो इंग्लैंड के रहने वाले थे, ठीक है, अंग्रेज थे। उनके वालदैन जो थे वो मालदार या अमीर और महजब अंग्रेज लोग थे। एंड एक्सपेक्टेड हर, और वो उससे उम्मीद करते थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल से, यानी टू मैरी इन टू अ नोबल फैमिली, कि वो इसकी शादी एक शरीफ खानदान में, मतलब वो उसकी शादी एक शरीफ खानदान में हो। बट शी हैड अदर आइडियाज, लेकिन उसके ख्याल जुदा थे या अलग थे, ठीक है। एट 17 शी फेल्ट दैट द एम ऑफ हर लाइफ वॉज टू सर्व सफरिंग ह्यूमैनिटी। उसने महसूस किया या के एम यानी कि मकसद ऑफ हर लाइफ, उसकी जिंदगी का, वॉज टू सर्व सफरिंग ह्यूमैनिटी, दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। व्हेन शी वॉज 24, जब वो 24 बरस की हुई, शी डिसाइडेड दैट, उसने फैसला किया, शी शुड बिकम अ नर्स, कि उसे नर्स बनना चाहिए। नथिंग इज नोबलर
देन नर्सिंग, नर्सिंग से ज़्यादा कोई काम मोजेज नहीं है, शी डिक्लेयर्ड, उसने वाजे किया या उसने ऐलान किया। हर फैमिली वॉज शॉक्ड टू लर्न दिस, उसकी फैमिली या उसका खानदान जो था उसको इस चीज़ से इस चीज़ को जानकर बहुत सदमा हुआ। एवरीबडी अपोज्ड हर, हर किसी ने उसकी मुखालफत की, बट शी वुड नॉट गिव इन, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी या उसने अपना इरादा तब्दील नहीं किया। एट लास्ट, आखिरकार, आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, 7 बरस की जद्दोजहद के बाद, शी वॉज अलाउड टू गो फॉर ट्रेनिंग एट केसरवर्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग इन जर्मनी। उनको इजाज़त मिली तरबियत के लिए केसरवर्थ इंस्टीट्यूशन ऑफ नर्सिंग जर्मनी जाने की। In 1853, she was given the management of a hospital for sick women in London. 1853 में उन्हें लंदन में औरतों के एक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट या इंतज़ाम उनकी सपोर्ट किया गया। In 1854, when there was a war between England and Russia, 1854 में जब इंग्लैंड और रूस के दरमियान जंग जारी थी, the British government asked her to go to the Crimea to manage the military hospitals there. बरतानवी हुकूमत ने उनसे कहा कि वो क्राइमिया जाए और वहाँ पे जाके वो फौजी अस्पतालों के इंतजाम संभालें। शी प्लेड अ ग्रेट रोल इन द क्राइमियन वॉर, उन्होंने क्राइमिया की जंग में एक अहम किरदार अदा किया। द नेशन थैंकफुली ऑफर्ड हर अ पर्स ऑफ पौंड 45,000। पौंड जो है जैसे हमारे करेंसी है पाकिस्तानी रुपीज, अमेरिकन जो है वो डॉलर है, इसका पौंड जो है वो इंग्लिश करेंसी है। तो कह रहे हैं कि उन्होंने कौम ने शुक्रिया के साथ उन्हें 45,000 पाउंड जो थे वो उसकी रकम पेश की। विद दिस मनी शी फाउंडेड एन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग नर्सेज इन लंदन। इन पैसों के साथ उन्होंने लंदन में नर्सों की तरबियत के लिए एक इदारा खोला। एट प्रेजेंट देर आर मैनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर नर्सेज इन आर कंट्री। वो कह रहे हैं कि अब या हाल में या इस वक्त हमारे मुल्क में नर्सों को तरबियत देने के बहुत से इदारे हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी गर्ल्स फ्रॉम गुड फैमिलीज, अच्छे खानदानों से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लड़कियां, आफ्टर बीइंग ट्रेन्ड इन दीज इंस्टीट्यूट्स, इन इदारों तरबियत पाकर आर वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, काम कर रही हैं अस्पतालों में, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में। हमारा यूनिट ख़त्म हुआ। जब हमने ये D1 में जो हमने यूनिट का फर्स्ट पेज पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि आप उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे आपने उनके जो है वो मीनिंग्स डिक्शनरी से देख के अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, देखिएगा इन वर्ड्स को भी अपने पास आपने ऐड करना है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन देखिए, लिखा हुआ चेक द राइट आंसर। व्हाट डज नर्सिंग मीन, नर्सिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन ए इज नर्सिंग मीन्स लुकिंग आफ्टर द सिक, ऑप्शन बी इज नर्सिंग मीन्स लुकिंग आफ्टर द गार्डन। इट्स द ऑब्वियस के ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डिड द होली प्रॉफिट गिव टू हजरत गफारिया, ठीक है। हजरत गफारिया को हजरत सल्लम ने क्या दिया था। ऑप्शन ए इज ही गेव हर 1,000 रुपीज या ही गेव हर अ नेकलेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Okay, and question number 3 is where did Florence Nightingale go for training as a nurse? She went to France, she went to Germany, she went to Russia. कहाँ गई थी वो? वो गई थी, she went to Germany. Option B is the right answer. ठीक है? Okay students, ये exercises unit आपका जो है nursing इसी की book exercises है। This book exercise is on page number 84 in the book. Look at the question. Pick out the most appropriate words of comparison among the following. वो कह रहे हैं comparison के लिए जो सबसे मुनासिब अल्फाज हैं उनको जो है वो आपने बीच में से पिक करना है। As black as, यानी कि इतना स्याह जैसे coal, iron और dirt, ठीक है। कोल हम कोयले को कहते हैं, हम जैसे कहते हैं ना कोयले जैसा स्याह है वो, तो या आयरन लोहा या डर्ट, तो यहाँ पे कोल इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नंबर 2 इज एज ग्रीन एज, आपके पास ऑप्शन है अ कैबेज, अ ट्री, ग्रास। तो आपने यहाँ पे ग्रास इज द राइट आंसर। एज स्वीट एज, यानी कि इतना मीठा जैसे कि अ केक, हनी, अ रोज।
शहद की तरह मीठा, हनी जो है यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। एज कोल्ड, एज कोल्ड आपको पता है ठंडे को कहते हैं, आइस वाटर आयरन, आइस इज द राइट आंसर। एज ड्राई एज अ बोन, ठीक है, अ बोन इज द राइट आंसर। एज सॉफ्ट एज वूल, सिल्क, कॉटन, सिल्क आएगा रेशम, ठीक है, सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है वूल जो है वो, हम आपको पता है किसे कहते हैं, जो ऊन को कहते हैं, और कॉटन हम रुई को कहते हैं। एज लाइट एज अ फ्लावर, अ लीफ, अ फ्लाई, अ लीफ इज द राइट कंपैरिजन। एज हैप्पी एज अ क्लाउन, ठीक है, क्लाउन जो है आपने देखा होगा कि वो हमेशा हैप्पी रहता है, वो क्लाउन जो है वो सिंबल ही हैप्पीनेस का है, तो यहाँ पे आएगा एज हैप्पी एज अ क्लाउन। एज हार्ड एज आयरन, ठीक है, एंड एज ब्राव सॉरी एज ब्रेव एज अ लायन। ओके लुक एट दिस, आप जहाँ पे पेज नंबर 84 पे एक्सरसाइज देखेंगे वहीं पे ये नीचे ये ब्लैंक से मौजूद है। तो कह रहे हैं अ मैन हु रिकॉर्ड्स हिस्ट्री इज कॉल्ड अ डैश, जो इंसान हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हिस्टोरियन कहते हैं, ठीक है, एच आई एस टी ओ आर आई ए एन, हिस्टोरियन। नंबर टू इज अ मैन हु टेक्स पार्ट इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड अ, ये तो आपको भी पता होगा कि जो पॉलिटिक्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिटिशियन, ठीक है, पी ओ एल आई टी आई सी आई ए एन, पॉलिटिशियन। अ मैन हु एंटरटेन्स गेस्ट इज कॉल्ड अ डैश, यहाँ पे एंटरटेन से मतलब है कि जो अटेंड करता है मेहमानों को हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं होस्ट, एच ओ एस टी होस्ट। अ वुमन हु एंटरटेन्स गेस्ट इज कॉल्ड अ होस्टेस, एच ओ एस टी ई एस एस। अ मैन हु राइट्स पोएम्स इज कॉल्ड अ, ये आप सबको पता है जो नज़्में लिखते हैं हम उसे क्या कहते हैं, पोएट, पी ओ ई टी। नंबर सिक्स इज अ मैन हु राइट्स बुक इज कॉल्ड अ ऑथर, ठीक है, राइटर भी कह सकते हैं, ऑथर भी कह सकते हैं, ठीक है, ए यू टी एच ओ आर ऑथर, राइटर भी लिख सकते हो आप, डब्ल्यू आर आई टी ई आर, राइटर। अ मैन हु मेक्स एक्सपेरिमेंट्स इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस कॉल्ड अ डैश, ये भी आप सबको पता होगा कि ब्रांच जो साइंस मुख्तलिफ ब्रांचेस में जो है वो तजर्बे करता रहता है उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। नंबर एट इज अ मैन हु कंपोजेस म्यूजिक इज कॉल्ड अ डैश म्यूजिशियन, एम यू एस आई सी आई ए एन। नंबर नाइन इज अ मैन हु रिपेयर्स शूज इज कॉल्ड अ, वो जो जूतों की मरम्मत करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉबलर, सी ओ बी बी एल ई आर, ठीक है। नंबर टेन इज अ मैन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड अ डैश, वो कह रहे हैं एक शख्स जो सोने में काम करता है या सोने की जो है वो सजावटी चीजें बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गोल्ड स्मिथ, सुनार, जी ओ एल डी एस एम आई टी एच। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड नाउ द असाइनमेंट, यू हैव टू रीड दिस यूनिट अगेन, ठीक है। बार बार मैं कहती हूँ रीडिंग पर खास तौर पे तवज्जो दिया करें, इंशाल्लाह ये रीडिंग जो है वो आपके काफ़ी काम आएगी एग्जाम्स के दौरान। ओके, एंड यू हैव टू कम्प्लीट बुक एक्सरसाइज इन द नोटबुक, ठीक है। मैंने आज आपको दो तीन एक्सरसाइजेस कराई हैं, वर्ड मीनिंग आपको कंप्लीट करने हैं, फिर आपने उसकी कॉम्प्रिहेंशन करनी है, फिर आपने वो जो कंपैरिजन पिक आउट द अप्रोप्रिएट वर्ड था वो कंपैरिजन वाली एक्सरसाइज करनी है, एंड देन द ब्लैंक्स, एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द क्विज। आपका जो नेक्स्ट डे होगा थर्ड डे जो है वो आपको आपको पता है इसका लास्ट डे होता है, उसमें ये जो हमने यूनिट नर्सिंग पढ़ा है इंशाल्लाह मैं इसमें से आपका शॉर्ट क्विज या टेस्ट जो है वो लूँगी, आपने अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन, आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर आपसे मिलेंगे, टिल देन अल्लाह हाफिज़।